फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं थाने पर। अभी बैक कैमरे करके दिखाते हैं थाने का सीन, क्योंकि अंदर तो वीडियो बना नहीं सकते हैं, और जब निकल के आएंगे तो बाहर बना के दिखा देंगे वीडियो आप लोगों को। एक खोराबार थाना है दोस्तों, बैक कैमरा कर देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है खोराबार थाना, ये देखिए खोराबार थाना पे आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, तो हमारे घर आने से पहले हो जाए। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने थंबल पर बिल्कुल सही देखा है, गोरखपुरिया भौजी ने एक लड़की को जेल में जो है कि छोड़ के आई हैं, और जो कि उनको डर था किसी बात का। अब वो लड़की कौन है कौन नहीं है, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। पूरी वीडियो में आज हम यही बताएंगे कि वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी, और क्या नाम था उसका, और क्या करने गोरखपुरिया भौजी के यहाँ गई थी। दोस्तों पूरा वीडियो वॉच करिएगा तब पता लगेगा आप लोगों को। तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि गोरखपुरिया भौजी एक लड़की को जेल छोड़ के आए हैं, तो दोस्तों वो लड़की कौन थी पहले ये बताते हैं आप लोगों को। वो लड़की गई थी गोरखपुरिया भौजी से सपोर्ट मांगने के लिए, जो कि कहाँ से थी कहाँ से नहीं थी ये बात तो हमें नहीं पता, क्योंकि उनको भी नहीं पता, गोरखपुरिया भौजी को भी ये बात नहीं पता कि कौन थी कहाँ से आई थी। लेकिन वो अपने आप को अनाथ बता रही थी, कह रही थी मेरा कोई अपना है नहीं। तो गोरखपुरिया भौजी ने कहा कि कोई नात बात जैसे हो, कोई नात रिश्तेदार हो, उनसे हमें बात करवाइए। तो किसी लड़के के पास वो लड़की ने फ़ोन किया, कहा कि ये मेरे जो है कि रिश्तेदार हैं, बात कर लीजिए आप। उस लड़की ने फ़ोन जो है कि मतलब बात की, और बात करते करते वो हकबका रही थी, तो गोरखपुरिया भौजी को थोड़ा शक हुआ कि ये हमें लग रहा है मामला कुछ सही नहीं है। तो गोरखपुरिया भौजी ने उसका फ़ोन छीन लिया, फ़ोन छीन कर फिर जो है कि खुद बात की, उनसे पूछा भैया आप कौन हैं कहाँ से हैं। तो वो लड़के ने सच सच बताया, झूठ नहीं बोला, कहा भी, रिक्वेस्ट भी की गोरखपुरिया भौजी ने कि आप भैया बिल्कुल सही बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। तो लड़के ने सही बताया कि मेरा क्या इनसे रिश्ता है, मैं कौन हूँ। आप लोग जानते ही हैं कि लड़की से एक लड़के का क्या मतलब। तो वैसे ही कोई मैटर था, अब ये बात हम क्लियर नहीं कर सकते दोस्तों कि क्या था क्या नहीं। गोरखपुरिया भौजी की वीडियो में मैंने जैसा देखा है मैंने वैसा ही कहा है, गोरखपुरिया भौजी ने इशारे में ये बात कही है कि हाँ आप लोग समझ सकते हैं कि लड़का कौन हो सकता है लड़की का, इतनी बात कही है गोरखपुरिया भौजी ने। यहाँ पर दोस्तों दिखा, ये देखिए बैग है, टिफिन है, यहाँ कापी किताब है। लड़की को नहीं दिखाएंगे दोस्तों, लड़की को रूम में बंद करके रखे हैं। यहाँ देखिए कापी किताब है, इसका काफी किताब है। लाइब्रेरी में डॉक्टरी का पढ़ाई करती है लड़की, देख लीजिए डॉक्टरी का पढ़ाई करती है दोस्तों। यहाँ पे देखिए अच्छे घर खासे अच्छे घर की लड़की, काम मांगने आई थी दोस्तों। उसका कहानी हम बता देते हैं, ये देखिए स्कूल का ड्रेस भी है, ड्रेस भी है, टाई हुई है, छोड़िए टाई बेल्ट सब कुछ है, टिफिन उफिन सब है, सब कुछ है टिफिन। ये दोस्तों रुकिए रुकिए, देखिए अरे यार मोबाइल है, कह रही मोबाइल नहीं, मोबाइल है इसका जी, कह रही मोबाइल नहीं है, देखिए मोबाइल है। तो उसके घर वाले वीडियो देखें, आप लोगों का सेफ्टी के लिए वीडियो हम बना रहे हैं। देखिए उस लड़की के पास मोबाइल भी है, आप लोग खुद देख लीजिए। कह रही हमारे पास मोबाइल नहीं है, ठीक ना, इसके पर्स सब है, पर्स पहले चेक करिए, तो पैसा वैसा पैसा भी है, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है रखिए, मोबाइल भी रख दीजिए, मोबाइल रख दीजिए, बंद करिए। तो दोस्तों एक लड़की आई है हमारे घर भाग करके काम मांगने के लिए, हमने पूछा क्या काम चाहिए, उसके घर वाले इतने रो रहे हैं। पहले हम शुरू से स्टोरी बताते हैं आप लोगों को, ऐ हटो यहाँ से, कोई आवाज नहीं करेगा। तो दोस्तों, तो उसी बात से मैं भी ये कह रही हूँ, और तो वो लड़की जो है, लड़की को जब वो लड़के की बात सुनी गोरखपुरिया भौजी ने, तो लड़की को कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद करने के बाद प्रशासन के पास कॉल लगाया, फिर प्रशासन से बात की और कहा भी कि हम लड़की को ले कर आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि मुझे डर है अभी कहीं रात बिरात भाग जाएगी तो हम क्या करेंगे। उनके मम्मी से भी बात करवाई थी लड़के ने, बात नहीं करवाई थी, नंबर दिया था दोस्तों। तो नंबर देने के बाद वो कह रही थी, उनकी माँ बहुत रो रही थी, और जो कि दोस्तों इतनी ज़्यादा मतलब सही घर परिवार की लड़की थी, क्योंकि उनके पूरा परिवार एक डॉक्टरी करता है, बढ़िया अच्छे खासे डॉक्टर हैं सारे लोग, और अच्छी खासी अर्निंग भी करते हैं, कमाते भी हैं।
तो परेशानी नहीं रही होगी। अब क्या परेशानी थी कि जिस कारण गोरखप्रिया भौजी से मदद मांगने के लिए गई थी दोस्तों, तो गोरखप्रिया भौजी ने जब उनके मम्मी से फ़ोन लगा के बात की, लड़के ने नंबर भी दिया था, तो गोरखप्रिया भौजी ने फ़ोन किया, उनसे बात की, उनकी माँ बहुत रो रही थी और बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। तो उन्होंने कहा कि हम लड़की को अपने घर पे नहीं रख पाएंगे, लेकिन लड़की को हम प्रशासन के यहाँ छोड़ देते हैं, आप लोग आके ले जाइएगा, अभी हम रखेंगे, रात बिरात कोई मामला हो जाए। ये बात सही है दोस्तों, किसी भी लड़की को ख़ास करके पहले से ही वो झूठ बोल रही है तो कोई भी अपने घर पे क्यों रखेगा, अभी रात बिरात कहीं चल जाए तो फिर गोरखप्रिया भौजी ऐसे ही फंस जाएँ। एक तो ऐसे ही बदनाम है, आप लोग समझ सकते हैं कि हर एक मामले में बदनाम क्या है, थोड़ा बहुत सच भी है दोस्तों, थोड़ा बहुत सच है, थोड़ा बहुत क्या है क्या नहीं है ये मैं नहीं जानती, लेकिन आधा ज़्यादा तो सच ही है जो लोग उन्हें कहते हैं। तो इसी वजह से वो जो है कि लड़की को प्रशासन के पास पहुँचाना सही समझा, लड़की के माँ से कहा भी कि मैं प्रशासन के यहाँ छोड़ के आती हूँ, आप आके अपनी बेटी को ले जाइएगा। तो दोस्तों ये थी गोरखप्रिया भौजी के घर, जो पुलिस पुलिस के पास लड़की को ले गई थी, वो लड़की सपोर्ट मांगने के लिए आई थी। दोस्तों हम यही कहेंगे, यही वजह है जो काफ़ी लोग सपोर्ट करने से पिछड़ते हैं। गोरखप्रिया भौजी भी कहीं ना कहीं पहले किसी को सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन अब सपोर्ट कर रही है, तो ऐसे ऐसे लोग पहुंच रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने डाला था, आप लोग देखे होंगे, एक दो लेडीज गई थी और जो कि सपोर्ट मांगने के लिए गई थी, सपोर्ट के चक्कर में उनके यहाँ मतलब सच भी नहीं बता रही थी और पता नहीं क्या क्या गोल गोल घुमा रही थी उनको, और वो भी गोरखप्रिया भौजी को फंसाने के चाल से ही गई थी, और ये भी कुछ ऐसे ही साजिश करके गई थी। तो दोस्तों ऐसे ऐसे लोग जाते हैं, इसमें कुछ अच्छे लोग भी जाएंगे तो बदनाम होंगे ही, ये तो बात वाजिबी है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, वीडियो कैसी लगी प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा, और कमेंट जरूर क्या करिए दोस्तों, कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप लोगों की क्या राय है आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, बाय।